ఉత్పత్తి అధ్యాయ 42 ఉత్పత్తి అధ్యాయ 42 జబ్ యాకూబ్ నే సునా కి మిస్ర్ మే అన్న హై తబ్ ఉస్నే అప్నే పుత్రో సే కహా తుమ్ ఏక్ దూసరే కా మూహ్ క్యో దేఖ్ రహే హో ఫిర్ ఉస్నే కహా మైనే సునా హై కి మిస్ర్ మే అన్న హై ఇస్లియే తుమ్ లోగ్ వహాన్ జాకర్ హమారే లియే అన్న మోల్ లే ఆవ్ జిస్సే హమ్ న మరే బరన్ జీవిత్ రహే सो यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए पर यूसुफ के भाई बिन्यामिन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े सो जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा तुम कहां से आते हो उन्होंने कहा हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया परंतु उन्होंने उसको न पहचाना तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा तुम भेदिये हो इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो उन्होंने उससे कहा नहीं नहीं हे प्रभु तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं हम सब एक ही पिता के पुत्र है हम सीधे मनुष्य है तेरे दास भेदिये नहीं उसने उनसे कहा नहीं नहीं तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो उन्होंने कहा हम तेरे दास 12 भाई है और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र है और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा तब यूसुफ ने उनसे कहा मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदिये हो सो इस रीति से तुम परखे जाओगे फिरौन के जीवन की शपथ जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां न आए तब तक तुम यहां से न निकलने पाओगे सो अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंधुआई में रहोगे इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिये समझे जाओगे तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा एक काम करो तब जीवित रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं यदि तुम सीधे पुरुष हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले न जाओगे तब उन्होंने वैसा ही किया उन्होंने आपस में कहा कि निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं रूबेन ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो परंतु तुमने न सुना देखो अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है यूसुफ की और उनकी बातचीत जो एक दुभाषियों के द्वारा होती थी इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा फिर उनके पास लौटकर उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट लिया और उसके सामने बंधुआ रखा तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उनके रुपए को भी रख दो फिर उनको मार्ग के लिए सीधा दो सो उनके साथ ऐसा ही किया गया तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए
सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखाई दिया। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार वर्णन किया कि जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं, हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो, तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं सीधे लोग हो, फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया, देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामिन को भी ले जाना चाहते हो, ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अब अकेला रह गया, इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा।